रामलीला मैदान हल्द्वानी में श्री गुरु तेग बहादुर जी के 400वां प्रकाश पर्व पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सानिध्य में कार्यक्रम आहूत किया गया। कार्यक्रम में सरदार नरेंद्र जी सिंह कोहली पूर्व अध्यक्ष गुरुद्वारा सिंह सभा कार्यक्रम अध्यक्ष रहे। सरदार हरविंदर सिंह कुकरेजा के द्वारा श्री गुरु तेग बहादुर जी के जीवन पर प्रकाश डालते हुए बताया गया कि विश्व इतिहास में धर्म एवं मानवीय मूल्यों आदर्शों और सिद्धांतों की रक्षा के लिए प्राणों की आहुति देने वालों में गुरु तेग बहादुर साहब का स्थान अद्वितीय है। मुगल शासक औरंगजेब के तमाम जुल्मों के बावजूद गुरुजी ने इस्लाम धर्म कबूल नहीं किया और अपना शीश कटवाना मंजूर किया। वनवासी कल्याण आश्रम के प्रांतीय अध्यक्ष सुरेश पांडे ने गुरु तेग बहादुर जी को भारतीय संस्कृति रक्षक, क्षमाशील, परोपकारी, पराक्रमी, मार्गदर्शक बताया। भारतीय संस्कृति एवं समाज सदैव श्री गुरु तेग बहादुर जी का ऋणी रहेगा। कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रीय समाज सेवक संघ के जिलाध्यक्ष व संचालक डॉक्टर नीलांबर भट्ट, नगर संचालक विवेक कश्यप, कमल कपिल गोदान, तनुज गुप्ता, कमलेश, अतुल अग्रवाल, पंकज क्षती, गिरीश तिवारी, अशोक आर्य, सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। द्वारा आज के इस नागरिक कार्यक्रम जो कि श्री गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश वर्ष के रूप में एक कार्यक्रम किया जा रहा है, इस अवसर पर मंचासीन मुख्य अतिथि सरदार नरेंद्र जी, मुख्य वक्ता श्री हरविंदर जी और नगर संचालक माननीय विवेक जी एवं आज के मुख्य वक्ता श्री सुरेश जी एवं उपस्थित सभी गणमान्य नागरिक, माताओं, बहनों और साथियों, वक्ताओं ने आज आपके सम्मुख यह विषय रखा है। हम में से बहुत सारे लोगों को गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान और उनके इस देश के लिए दिए गए अपने सर्वश्रेष्ठ आहुति की जानकारी रही होगी, लेकिन समाज का एक ऐसा भी वर्ग है, इस देश का एक बहुत ऐसा वर्ग है कि जिनको आजादी के बाद लिखे गए इतिहास में इन सब चीजों को भुला दिया गया पढ़ती हैं, उनको गुरुओं के बलिदान के बारे में कोई जानकारी नहीं है। हमारी पीढ़ियां, हमारे जो इतिहास महापुरुष हैं जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज या हमारे पूर्व परित्रेता युग उस युग के महापुरुष हैं उनके बारे में, इतिहास हमारे भगवानों के बारे में, गणना हमारे ज्योतिष, इसके बारे में जानकारी आज के इस अधिवेशन में नहीं मिल पाती है। लेकिन हम सबका एक कर्तव्य है कि हम अपने अपने उनके सुप्रीम सेक्रीफाइस को बताएं। हम तभी बता पाएंगे जब हम इस चीज को खुद जानेंगे। मानवता की और हिंदू धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने अपना सर्वस्व संवार दिया था। दो बेटे दीवारों में चुनवा के, दो बेटे जंग में शहीद करवा के, पर वो कभी भी मुगलों से डरे नहीं, जालिम फौज के आगे, जालिम राज के आगे कभी नहीं झुके। मुझे एक श्लोक और याद आ रहा है, गुरबाणी का श्लोक है, ठीकर फोर दलीस सिर प्रभु पर किया बयान, तेग बहादुर सीकरिया कदमों न किन्ही आन, तेग बहादुर के चलत भयो जगत को शोक, है सब जग भयो जय 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 सुरलोक। समझ गए होंगे काफी लोग, अगर नहीं समझ में आया तो जब तेग बहादुर साहब की शहादत हुई तो पूरे जगत में एक शोक की लहर दौड़ गई थी, सब हाय हाय कर रहे थे, पर उन्होंने जिस साके के लिए, जिस कार्य के लिए अपना बलिदान दिया उसके लिए उस देवलोक में उनकी जय जयकार हो रही थी, है सब जग भयो जय 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 सुर लो। तो आज हम ऐसे महापुरुष की प्रकाश जयंती मना रहे हैं 400वीं। मैं यहीं पर अपनी वाणी को भी विराम दूंगा और आप सबसे अनुरोध करूंगा कि मेरे साथ आप सबने न्यूज 21 के लिए स्टेट हेड दीपक गुप्ता की रिपोर्ट।